विलासपुर नाम के नगर में विजय राजा और श्रीमती रानी सुखपूर्वक रहते थे। श्रीमती रानी एक दिन पुत्र रत्न को जन्म देती है। पुत्र का नाम रखते हैं अतिमुक्त। छह वर्ष का अतिमुक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, तभी वह गुरु गौतम स्वामी को गोचरी वहरने के लिए आते देखता है। अतिमुक्त विनती करके गुरु गौतम स्वामी को अपने घर ले जाकर अति भाव पूर्वक लड्डू वहराता है। गोचरी वहर कर वापस लौटते गुरु गौतम स्वामी को अतिमुक्त कहता है, मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे भी साधु बनना है। दीक्षा लेने की भावना मन में रखते हुए राजपुत्र अतिमुक्त गुरु गौतम स्वामी के साथ समवसरण में परमात्मा महावीर स्वामी के दर्शन करने जाता है। परमात्मा महावीर स्वामी के द्वारा संयम का स्वीकार कर राजपुत्र अतिमुक्त बनता है बाल मुनि आईमुत्ता। बारिश के दिनों में पानी से भरे गड्ढे में बच्चे पत्तों से नाव बनाकर खेलते नजर आते हैं। बाल मुनि को भी खेलने की इच्छा हो जाती है। अपना लकड़ी का पात्र पानी में तैराकर बाल मुनि आनंद से झूम उठते हैं। तीन साल बाद आगम शास्त्रों के अध्ययन से बाल मुनि आईमुत्ता समझदार हो जाते हैं। पानी में पत्तों की नाव से खेलते बच्चों को देखकर आईमुत्ता मुनि को अपना तीन साल पुराना किस्सा याद आ जाता है। लकड़ी के पात्र को तैराकर पानी के असंख्य जीवों की विराधना के पाप का पश्चाताप होता है। समवसरण में परमात्मा महावीर स्वामी के पास बाल मुनि आईमुत्ता इरिया बहिया करते हैं। उसमें दगमट्टी शब्द आता है, तब बाल मुनि आईमुत्ता पाप की निंदा गरहा करते हुए क्षपक श्रेणी लगाते हैं। चार घाती कर्मों का क्षय होने के बाद आईमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, दुंदुभी नाद करते हैं, केवल ज्ञान का उत्सव मनाया जाता है। सभी देवता एक साथ जय नाद करते हैं, बाल मुनि आईमुत्ता की जय हो, केवल ज्ञानी आईमुत्ता मुनि की जय हो। बच्चों, आप भी गुरु भगवंत की समक्ष अपने किए पाप कर्मों का पश्चाताप करेंगे तो एक दिन बाल मुनि आईमुत्ता के जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी।